ज़्यादा हो इक्विलिब्रियम प्राइस से तो क्या होगा एंड अगर कम हो तो क्या होगा सो so, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको सो so, यहाँ पे पी लेते हैं यहाँ पर क्यू लेते हैं क्वांटिटी दिस इज डिमांड कर्व दिस इज सप्लाई कर दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ओके अब क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहां पर है यहां पर दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट ई सो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो अगर इस प्राइस से ऊपर होता है तो क्या होगा सो सपोज अगर प्राइस यहां पर होता है सपोज पी वन पर होता है सो एट पी वन पे देखते हैं, क्या होता है सो पी वन पे डिमांड कितनी है इतनी है एंड सप्लाई कितनी है इतनी है। सो so बेसिकली क्या है इतना जो गैप है, इसका मतलब सप्लाई जो है सप्लाई ज्यादा है बिकॉज़ पे सप्लाई इतनी है, बट डिमांड सिर्फ इतनी है सो सप्लाई ज्यादा है देन डिमांड एंड जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं उसको एक्सेस सप्लाई सिचुएशन मार्केट में बेचने वाले बहुत है बट खरीदने वाला कोई नहीं है सप्लाई बहुत ज्यादा है ऑन अदर हैंड सपोज अब सेकेंड में दिया गया मैं जब इस क्या होगा जब प्राइस कम हो इक्विलिब्रियम प्राइस सपोज यहां पर हो पी टू पर हो सो एट पी टू सो पी टू पे क्या है डिमांड इतनी है सप्लाई इतनी है बस सो so, ये गैप मीन सप्लाई इसका मतलब कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से बिकॉज क्लियरली P2 पे डिमांड इतनी है, बट सप्लाई केवल इतनी है सो so, इसका मतलब इस सिचुएशन को कहते हैं इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड सो बेसिकली जब ियम प्राइस से उस सिचुएशन को कहते हैं जब कम होता है, उसको डिमांड सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमें पूछा था क्वेश्चन में आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर